हम आज डेट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ये सारे इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। तो यू कैन सी हियर द कंप्लीट सर्किट डायग्राम अवलोड सेक्शन इको वाट ल्यूमिनस मॉडल करते हैं इसमें। तो इसमें जो डिफरेंस है उसे सेंस करके आउटपुट वोल्टेज हमें बिटवीन 5 to 7 volt के बीच में मिलेगी, तो लगभग 5.6 यू कैन सी 5.66 volt एट पिन 3 माइक्रोकंट्रोलर के पिन नंबर 3 पे मिलती है, जो हमारी 0.1 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ से हमारे। तो ये पैरेलल करके लगा रखी, ये भी एक शंट में काम करते हैं हमारे इसमें। तो आज की डेट में थोड़ा सा एडवांस स्पेस कम शंट, ये वाला शंट हमारा जो काम करता है, ये वाला इसमें शंट स्पेस कम करता है, इसकी वजह से ये अच्छा काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आप देख सकते हैं ल्यूमिनस इको वाट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल एंड दिस वन ओल्ड मॉडल। तो आज मैं आपको जो लेटेस्ट मॉडल है इसके बारे में कुछ बताऊंगा। इसमें एक सेक्शन होता है हमारा ओवरलोड सेक्शन, तो ओवरलोड सेक्शन को मैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमारा ओवरलोड सेक्शन काम करता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। पुराने टाइम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते थे हम, आज की डेट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो ये सारे इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। तो यू कैन सी हियर द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ओवरलोड सेक्शन इको वाट ल्यूमिनस मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी एक बैटरी निगेटिव, जो बैटरी निगेटिव टर्मिनल्स है हियर्स, तो इसकी सीरीज में हमारे एक डीसी फ्यूज लगे हुए हैं। डीसी फ्यूज आप देख सकते हैं, ये वाले डीसी फ्यूज है हमारे 40 एम्पीयर के, तीनों पैरेलल करके लगा रखे हमने। और इसमें एक शंट है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा ये शंट, ये शंट लगा हुआ है हमारा, ये दिस इज द शंट। शंट मीन्स 0.001 ओम रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसका। और पहले टाइम में क्या होता था कि इसकी जगह हम एक करंट ट्रांसफॉर्मर लगाते थे, जो पुराने टाइम में जो ट्रांजिस्टर वाले इन्वर्टर बनते थे उनमें करंट ट्रांसफॉर्मर होता था। फिर बाद में इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसमें जैसे कुछ ये E01 ओम की रेजिस्टेंस है हमारे, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल करके लगा रखे हैं। और जैसे हमारे एक सुकैम की पीसीबी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी देखो E01 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ से हमारे, तो ये पैरेलल करके लगा रखे, ये भी एक शंट में काम करते हैं हमारे इसमें। तो आज की डेट में थोड़ा सा एडवांस स्पेस कम शंट, ये वाला शंट हमारा जो काम करता है, ये वाला इसमें शंट स्पेस कम घेरता है, इसकी वजह से ये अच्छा काम करता है, रिलायबल भी है, जल्दी से ख़राब भी नहीं। रेजिस्टेंस वगैरह तो क्या होते थे, ओपन हो जाया करते थे जल के पहले टाइम में। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं हमारा, जैसे एक बैटरी नेगेटिव के सीरीज में एक डीसी फ्यूज लगा दी हमने, और फिर एक ये शंट लगाया, शंट के एक बहुत कम रेजिस्टेंस 0.001 ओम इसका रेजिस्टेंस होता है। तो इस जब इसके अक्रॉस जब करंट फ्लो होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, सपोज 70 एम्पीयर करंट फ्लो रहा, रेजिस्टेंस का 0.001 ओम रेजिस्टेंस है, तो इन्हें दोनों मल्टीप्लाई करने यू विल गेट 70 मिली वोल्ट। ये 70 मिली वोल्ट का सिग्नल है, हम यहाँ से 358 के एग्रोस प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग 3 और इन्वर्टिंग 2 पिन नंबर है इसका, तो यहाँ पे इसकी इनपुट दे गई, इसे एज ए कंपैरेटर काम करते हैं इसमें। तो इसमें जो डिफरेंस है उसे सेंस करके आउटपुट वोल्टेज हमें बिटवीन 5 to 7 volt के बीच में मिलेगी, तो लगभग 5.6 यू कैन सी 5.66 वोल्ट
एट पिन 3 माइक्रोकंट्रोलर के पिन नंबर 3 पे मिलती है, जो हमारी ओवरलोड सेक्शन की पिन होती है हमारी ओवरलोड शट डाउन कराने के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ रेजिस्टेंस हमने यूज किए हैं, जैसे मान लो एक R127 है 910 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 910 ओम R38 है, नॉन इन्वर्टिंग पे तो 127 ओम और इन्वर्टिंग दो नंबर पे R38 की हेल्प से जो हमने वोल्टेज दी है, और इसकी जो आउटपुट है वन नंबर 121 R121 1 किलो ओम और R18 10 किलो ओम इस सीरीज में लगा के दिव्य पिन नंबर 3 पे जाते हैं। तो ये इसमें लिमिटेड कंपोनेंट्स हमारे ओवरलोड सेक्शन में, तो ये इस तरह से काम करते हैं। पिन नंबर 3 में 5.6 वोल्ट मिलेगी जो सिस्टम को शट डाउन करा देती है। इस तरह से हमारा ओवरलोड सेक्शन काम करता है, कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम हमारा। तो इसके बाद कुछ वीडियो में आपको बैटरी लो, चार्जिंग और इसकी जो ड्राइव कहाँ कहाँ से निकलती है, कितनी कितनी वोल्ट होती है, वो सारी मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।